हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरोंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एरोंस की तरफ से 18 इंच स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है 18FE1500। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पीकर के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए 18FE1500 स्पीकर के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये 18 इंच बेस स्पीकर है। ये आप सिंगल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं, ड्यूअल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं। इस स्पीकर का AES पावर 1500 वॉट है। वॉइस कॉइल 5 इंच है जिसकी वजह से आपको बेस का पंच और वाइब्रेशन बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 32 हर्ट्ज से लेके 1500 हर्ट्ज तक है। इसका वजन 18 किलो है। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो आइए इस स्पीकर की हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए हम 18FE1500 स्पीकर का अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी ये मैं बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने बॉक्स ओपन किया अभी। बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ है। यहाँ पे बीच में आपको एक कर्टन पैकिंग दिख रहा है कि ट्रांसपोर्ट में जब आपका ये प्रोडक्ट रहेगा तो ये डैमेज ना हो, इसके लिए हम लोग ने सेफ्टी के लिए ये कंपनी की तरफ से कार्टन पैकिंग आया है। अभी मैं कार्टन पैकिंग भी ओपन करता हूँ। कार्टन पैकिंग ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि अंदर में प्लास्टिक पन्नी में, मतलब कि प्लास्टिक की थैली में आपका जो स्पीकर है वो पैक किया हुआ है, जिसकी वजह से अगर ट्रांसपोर्ट में रहे और बारिश भी हो जाए तो उससे बचने के लिए, एक सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक पेपर्स के साथ, मतलब कि कैरी बैग के साथ ये पैक किया हुआ है। तो ये मैं स्पीकर अभी निकाल देता हूँ इस बॉक्स से बाहर। ये स्पीकर मैंने बाहर निकाल दिया है। आप यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी एक कर्टन पैकिंग है जो स्पीकर का साइज का कटिंग किया हुआ है, जिससे आपको ट्रैवलिंग में, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट में हो या कुरियर सर्विस में जाता रहेगा, तो सेफ्टी के हिसाब से वो बनाया हुआ है। तो अभी हमने स्पीकर को अनबॉक्सिंग कर दिया है। हम पहले आपको शो कर रहे हैं स्पीकर का बैक साइड में आप देख सकते हैं। अगर आपने आप पीछे से अच्छे से पढ़ लिया बैक साइड से, तो आपको स्पीकर का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18FE1500, मतलब कि ये स्पीकर का मॉडल नंबर है। यहाँ पे 1500 वॉट लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो है स्पीकर 1500 वॉट का है। 5 इंच इन और आउट वॉइस कॉइल, मतलब स्पीकर का जो वॉइस कॉइल है वो 5 इंच का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इंच, मतलब ये स्पीकर का जो साइज है 18 इंच का स्पीकर है। और 8 ओम्स, मतलब कि स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो 8 ओम्स है। यहाँ पे एरोंस का सिंबल दिया हुआ है और उसके नीचे भी लिखा हुआ है एरोंस इंडिया। तो इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है बैक प्लेट, आप देख सकते हैं। उसके नीचे ही है ये जो मैग्नेट है। ये मैग्नेट का जो हाइट है वो 25 mm है और इसका साइज जो है 280 mm है। और इस मैग्नेट का ग्रेड जो है वो Y35 ग्रेड है, आप देख सकते हैं। उसके नीचे ही जो है ये बास्केट है। बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है, बहुत ही कुछ अलग डिजाइन है इस टाइम पे भी, आप देख सकते हैं। और मजबूत भी है बास्केट, आप देख सकते हैं। उससे आगे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे है ये टर्मिनल्स है रेड और ब्लैक कलर कोटिंग के साथ है। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि आप वायर का कनेक्शन कर रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए इसके ऊपर कलर कोडिंग किया हुआ है कि रेड वायर यहाँ पे लगेगी और ब्लैक वायर जो है ये ब्लैक टर्मिनल में लगेगी। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पुश टर्मिनल्स की तरह यूज होता है। जैसे कि हम इसको अगर एक बार हल्के से प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ चले जाएंगे, तो वायरिंग करते समय आप डायरेक्टली वायर लगा सकते हैं। अदर्स ब्रांड्स की तरह हम लोग को या कोई और स्पीकर की तरह हम लोग को सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसमें ये प्रेस करके यहाँ पे वायर्स हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ये सिल्वर वायर है वो अंदर तक स्पीकर से कनेक्ट की हुई है। इसमें जो ये मेन लीड वायर है जो सिल्वर में यूज़ हुई है। तो अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं ये स्पीकर की फ्रंट साइड है। आप फ्रंट साइड में देख सकते हैं प्रॉपरली राउंड शेप में ये जो डिज़ाइन किया गया है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो ये स्पीकर का कोन पेपर है, कोन पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और सस्पेंशन बहुत स्मूथली मूव हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक बार देखिए, ये देखिए सस्पेंशन जो है बहुत स्मूथली हो रहा है। मैं आपको ये प्रेस करके दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है पेपर के भी और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये स्पीकर में जो ये येलो है, ये येलो चीज जो है ये स्पीकर का स्पाइडर है, इसमें डबल स्पाइडर यूज हुआ है। और इसके ऊपर जो ये चमकीली जैसी जो चीज़ है वो सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन इसके लिए यूज़ किया गया क्योंकि वो स्पाइडर का लाइफ टाइम जो है वो बढ़ाता है। और इस स्पाइडर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये जो रिंग है ये आप देख सकते हैं जिसके ऊपर मैं उंगली रख रहा हूँ, ये जो रिंग है वो स्पाइडर को होल्ड करने के लिए यूज़ किया गया है कुछ इस तरह से, और बहुत अच्छी तरीके से वो यूज़ किया गया है। और ये सिलिकॉन भी आप देख सकते हैं जो चमक रहा है, जो चीज़ है वो सिलिकॉन है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।